नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। वैसे तो जम्मू कश्मीर हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन अभी ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि हुए हैं डीडीसी चुनाव, और अब इन चुनाव के रिजल्ट के साथ साथ अपने करीबियों पर चल रहे केंद्र के चाबुक की भी वजह से महबूबा मुफ्ती अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। कहा है कि केंद्र राजनीतिक फायदे के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। महबूबा ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो करो, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को परेशान मत करो। माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती का यह गुस्सा बुधवार को की गई ईडी की कार्रवाई को लेकर है। ईडी ने श्रीनगर और दिल्ली में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के कथित करीबी अंजुम फाजिली से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह तलाशी अभियान चलाया गया और अंजुम फाजिली के घर से श्रीनगर निवास से 21 लाख रुपए और दिल्ली के निवास से 6,62,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को अपने पिता के स्मारक मामले को लेकर भी घेरा है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र कश्मीर में उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के स्मारक के निर्माण के मामले में भी जांच कर उनको परेशान करना चाहती है। महबूबा का कहना है कि इतने निचले स्तर पर राजनीति होगी, सोचा नहीं था। पिछले 2 साल में मेरी संपत्ति आदि सब चीजों को खंगाल लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी को महबूबा मुफ्ती ने बुजदिल करार दिया है। कहा है कि ये लोग कायर हैं, बुजदिल हैं। अगर एक औरत से लड़ना है तो मैदान में मुकाबला करें, मैदान में मुकाबला किया तो मुंह की खानी पड़ेगी। यह इशारा महबूबा का डीडीसी चुनाव की तरफ था। डीडीसी चुनाव के नतीजों को लेकर महबूबा मुफ्ती काफी खुश नजर आई। कह रही हैं कि बीजेपी ने मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। घाटी में बीजेपी की 3 सीटों पर जीत पर कहती हैं कि केंद्र सरकार के बलबूते पर पार्टी ने धन बल बाहुबल के जरिए जीत हासिल की है। दे आर नॉट फाइटिंग मी पॉलिटिकली, आई वांट टू टेल देम, मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो, फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, जमीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी एनआईए कभी ईडी के छापे कभी सीबीआई के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको, मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहां जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहां से बना है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, सो ने वॉन्ट टू, दे हैव ट्राइड टू थ्रू वही, दे हैव ट्राइड टू कनेक्ट मी टू टेरर फंडिंग कि पता नहीं हमारे कोई मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद करते थे। यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाबाक हुए थे, उनकी फैमिलीज को हम बाजाबता अकाउंट्स के जरिए, बैंक अकाउंट्स के जरिए हम उनकी मदद करते थे। ये मैं आज भी कहती हूं और ये कल भी मैं कहूंगी। पर ये दूसरी तरफ से हमको मिलिटेंट के साथ कनेक्ट करना, वही इसको टेरर फंडिंग के साथ कनेक्ट करना, ये बिल्कुल ना सर ना इंसाफी है, इनकी बुजदिली है, दे आर कवर्ड्स। एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना, किया ना मुकाबला इन्होंने भी मैदान में, वहां मुंह की खानी पड़ी इनको। वही बीजेपी भी इन चुनाव के परिणामों से काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नतीजों पर ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद के पहले चुनाव है और बीजेपी इन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शायद ये भी एक वजह है जिससे महबूबा मुफ्ती बौखला गई है। फिलहाल महबूबा मुफ्ती के बीजेपी पर कटाक्ष को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।